चुनाव का माहौल है और हाजीपुर के सदुल्लापुर में अभी मैं मौजूद हूँ। यहाँ के स्थानीय कुछ किसान हैं जो कि केले के खेतों में हैं, और चूंकि हाजीपुर है इसलिए केला का खेत केला विशेष तौर पर यहाँ प्रसिद्ध है, इसलिए केले के खेत में जो लोग किसान यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि इस बार चुनाव का क्या माहौल है और ये लोग इस बार किस तरीके की सरकार चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं और उनसे इन लोगों का क्या डिमांड है। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए भी हम यहाँ सदुल्लापुर के एक खेत में मौजूद है। पूरा चारों तरफ केले का खेत ही है और सबसे अच्छी बात यहाँ यह है कि यहाँ से ठीक 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थानीय विधायक अवधेश सिंह का घर भी है। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं विधायक जी के बारे में या सरकार के बारे में या फिर कोई और ऑप्शन चुनना चाहते हैं, तमाम बातें हैं। सबसे पहले मैं बुजुर्ग एक व्यक्ति से बात करूंगा, किसान हैं आप, एक बताइए कि इस बार जो चुनाव आ रहा है हाँ। इस चुनाव में कैसी सरकार चाहते हैं, क्या चाहते हैं अच्छे सरकार चाहते हैं, क्या चाहते हैं आखिर, उनसे क्या डिमांड, क्या है डिमांड? बहुत है। क्या हम लोग के सहारा देते हैं, अन्न पानी इनने बहुत सहायता किए हैं। कौन? वही लोग सरकार। मैंने अब नया क्या चाहते हैं? नया में क्या चाहते हैं, हम लोग तो वो जैसे हैं तैसे हैं। इतना से खुश हैं? चलिए देखते हैं, बुजुर्ग हैं खुश हैं। बताइए कि जो सरकार बनी हुई है पहले से उससे आप लोग खुश हैं या फिर और कुछ डिमांड? नहीं, सरकार जो बने हुए हैं इसे तो हम लोग खुश रहिए हैं, काहे कि इस सरकार में प्रधानमंत्री के तरफ से हम लोग को किसान अथी मिला है 6,000 का, और ये राशन भी मिला है खाने के लिए, यही सब है तो हम लोग तो खुश रहिए हैं। खुश हैं, 6,000 रुपये की राशि दी गई है जी, कैसी सरकार? जैसे कि लोग कह रहे हैं कि 6,000 से खुश हैं, इनका कहना है बुजुर्ग हैं कि जो है वो ठीक ही है, आपको क्या लगता है कि जो सरकार बनी है या फिर जो विधायक हैं यहाँ के वो पूरी तरीके से आप लोग के जो कह सकते हैं कि जहन में है उस पर खड़े उतर रहे हैं या फिर और कुछ होना चाहिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है अभी तक के सरकार लॉकडाउन के वजह से भी सरकार द्वारा बहुत तरह की सुविधा दी गई और किसान निधि योजना से भी 6,000 की सलीना जो है सरकार किसान के खाते में डाला है और गैस वाला भी सुविधा दी गई है। लेकिन एक बात मैं अपना चैनल आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे देश में अभी तक जो कृषि पर आधारित उद्योग लगना चाहिए जिससे पलायन रुके, हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। लॉकडाउन के वजह से आज आप देखे होंगे कि हम बहुत लोग पैदल आए, बहुत लोग रास्ते में मर गए और तरह तरह के असुविधाएँ हुई लोग के साथ, तो ये असुविधा से ख़त्म करने के लिए लोग को स्थानीय स्तर पर जो है रोजगार मिले कि ताकि स्थानीय स्तर पर अपना काम करें और बाल बच्चा के साथ मिलजुल करके रहे। मैंने क्या चाहते हैं आगे? मैं चाहता हूं कि हमारे कृषि पे आधारित उद्योग लगे। किस तरीके? जैसे यहाँ केला की खेती है तो केला पे आधारित उद्योग लगे। उद्योग इसके लिए आप लोगों ने कभी डिमांड नहीं किया? नहीं, डिमांड तो किया जा रहा है, डिमांड आश्वासन मिलता है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अभी तक के कोई उसका रेफरेंस नहीं आया। नहीं तो पहले तो यहाँ पे केला अनुसंधान केंद्र खोला गया था, फिर अब उसे कृषि अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। नहीं देखिए, कुछ बात जो है कागज पर ही रह जाता है, समझे। हम लोग सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं और चाहते हैं कि हमारे यहाँ कृषि पे आधारित उद्योग लगे और हमारे यहाँ ही नहीं, हमारे पूरे देश में कृषि पे आधारित उद्योग लगे। और बार बार होता है, कभी बाढ़ की समस्या होता है, कभी सुखाड़ की समस्या होती है, तो ये समस्या की भी अस्थायी निदान होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है, जो अभी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात इन लोगों की कि कृषि आधारित उद्योग लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और जब किसानों के लिए बहुत कुछ काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पर देश खुशहाल होगा। और भी लोग हैं, युवा हैं, केले के खेत में हैं, केले की खेती के लिए जैसे बगल वाले भाई साहब ने कहा कि जो होना चाहिए वो नहीं, आपको क्या? बात तो सही बोले हैं, क्योंकि हम भी किसान परिवार से हैं और किसान परिवार किसान के साथ साथ व्यवसाय भी करता है, केला हो या अन्य बैंगन हो या कोई भी फल हो, कोई सब्जी हो या कोई भी राशन की राशन हो, तो हम लोग सबसे बड़ी फायदा तो एक तत्कालिक अपना जो सरकार बना है NDA का, देश के प्रधानमंत्री के जी के द्वारा लाभ किसान को तो मिल ही रहा है। सबसे बड़ी लाभ है कि हमारे गार्जियन लोग खड़े हैं, 15 साल पूर्व में हम लोग बच्चा थे,
तो हम लोग किसान लोग बढ़िया से मेहनत करके उपजाऊ करते थे, केला हो, बैंगन हो, पपीता हो, जो भी हो। और हम लोग दुकान के माध्यम से बाजार समिति जाके कहीं जाके हम लोग बेचने के लिए जाते थे। एक तो खेत से ही केला कट जाता था, रास्ता में लेके जाते थे गाड़ी से, तो गाड़ी में रास्ता में लूट हो जाता था। व्यवसाय पर हम लोग किसान परिवार को बराबर टॉर्चर किया जाता था, बराबर बात होती थी उनके सरकार के द्वारा, लाठी में तेल पिलावन, लाठी में घुमावन, ऐसा करके खास करके हम लोग का उससे मुक्ति मिला है इस एनडीए सरकार में। लेकिन तो कह रहे हैं कि केले से जुड़ा हुआ कोई उद्योग नहीं है। उद्योग नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे बड़ा उद्योग क्या होगा हम लोग का, जो हम लोग खेती करते थे लेकिन फसल को सुरक्षा नहीं कर पाते थे। हम लोग गरीब बुढ़वा हैं, किसान हैं, हम लोग डर से आराम से खेती बढ़िया से मेहनत से करते थे, लेकिन वहाँ लूटा जाता था हम लोग का, रंगदारी में हम लोग को दिया जाता था, डर से देते थे, लुटाते थे, उससे मुक्ति मिला। अब रहा बात हम लोग किसान निधि से, हम लोग का जो 6,000 सालाना मिल रहा है, और हम लोग भी इच्छा है, हम लोग का इच्छा तो अनेके हैं, हम लोग चाहते हैं कि वास्तव में किसान के लिए और बड़ा बड़ा उद्योग लगे, ताकि आगे जाके हम लोग एक चीज़ से मुक्ति मिला है हम लोग जो। मैंने पूरी तरीके से भी विकास नहीं हुआ सर, विकास हुआ है लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि और एक्सपेक्टेशन है, जितना अधिक और विकास होगा उतना हम लोग और खुशी है, लेकिन हम लोग अभी इससे संतुष्ट है कि कम से कम हम लोग किसान का मान सम्मान मिल रहा है, चाहे 6,000 किसान क्रेडिट कार्ड से हो, हम लोग जो लूटा जाता था राशन की राशन, और चाहे हम लोग का व्यवसाय बढ़ के, चाहे अति किसान लोग का पौधा उधा, वो तो कम से कम शांति से खुल के आराम से जाके जहाँ मन तो वहाँ बिक्री करते हैं, बेच के आते हैं, खेती उती के हम लोग रखवाली करने के लिए चिंता नहीं रहता है, ये हम लोग को सम्मान मिला है। सही बात है, एक बुजुर्ग है, अब अभी किसान ही होंगे जैसा लगता है, जो आपके छोटे बच्चे हैं उन्होंने कहा कि जो हो रहा है पहले से ठीक है, आपको क्या लगता है कि इसमें और कोई सुधार होना चाहिए या फिर ठीक है? पहले से तो ठीक है ये है, लेकिन वही जो उद्योग की बात होता है, जो आपने कहे कि यहाँ थम का छिलका विदेश में जाता है, तो वो अगर फैक्ट्री यहीं पर जो लग जाए तो हम लोगों का भी कुछ इसमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि तो हम लोग काट के गौरा में फिरते हैं या फिर मालजाल को खिलाते हैं, मालजाल को खिलाते हैं, और यहाँ लग जाएगा तो कुछ तो आमदनी हम लोग को बढ़ेगा। तो ये सब नहीं हो पाया, ये सब नहीं तो हो पाया। जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप लोग नहीं कहते हैं? कहते हैं लेकिन अब आपके तो घर के बच्चे हैं। हाँ, तब नहीं कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अब उनके अधिकार में होगा तब ना करेंगे। कौन करेगा? विधायक जी जो है, उन पर ऑर्डर होगा तब ना कराएंगे। आपकी आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? हमारे आवाज़ तो विधायक जी उठाएंगे। तो वो उठाते हैं इस बात को? अब उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, सब हम क्या कहें, हमको तो कहना था, उनको कहते हैं कि हाँ रोजगार लगाइए, चाहे केड़ा हुआ टूट जाता है आंधी पानी में तो उसका कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, सब लोग कहते हैं। नहीं मिलता है, वो सब नहीं मिला है। चलिए देख सकते हैं कि किसानों का अपनी छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ और भी लोग हैं इधर, इन लोगों से बात करते हैं कि बता दें कि किसान यहाँ पे केले की खेती विशेष तौर पे करते हैं, उसके अलावा सब्जी की खेती बहुत होती है, खास करके गोभी के बीज की खेती बहुत होता है। आप लोग कितना संतुष्ट हैं इस सरकार से, और अगर नहीं हैं तो क्या चाहते हैं? नहीं, हम लोग संतुष्ट हैं, समझे ना, साथ में हैं, समझे ना, लेकिन वही जो मतलब कहे ना कि मतलब हम लोग विधायक जी के कहते हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, तो कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, तो ऊपर से आदेश होगा उसके बाद ना वो करावेंगे। मान लेते हैं सरकार, मोदी सरकार यहाँ भेजेंगे, उसके बाद ना हम लोग को मिले, जैसे मान लेते हैं कि किसान के मतलब अति साल वाला जो अति मतलब खेती करने के लिए 2,000 के मतलब अति जो आया राशि, वो कुछ आदमी के मिला है, कुछ आदमी के अभी नहीं मिला है, यही सब बात है। तो ऊपर से आवेगा उसके बाद मिलवे करेगा, और नहीं आवेगा तो हम लोग कहाँ मिलेगा? नहीं मिल रहा है पूरी तरीके से ना, पूरा तरीका से अभी नहीं अति हो रहा है। चलो किसान का बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा संतुष्ट है। एक मतलब है कि चुनाव का माहौल है, किसी की बहुत सारी बातें हो गई, कैसी सरकार चाहते हैं उनसे क्या? सरकार अस्थायी चाहिए, सरकार को से हम लोग बहुत अपेक्षा करते हैं। एनडीए की सरकार जो बननी चाहिए, इसे भय मुक्त होता है, सबसे बड़ी चीज़ भय मुक्त। किसान लोग चाहे और अब पब्लिक लोग की बच्चियाँ लोग स्कूल जाती है, उसको भय मुक्त है अभी, इसे किसी तरह का छेड़खानी नहीं किया जा रहा है अभी तक। बच्ची को पढ़ने के लिए सालाना पैसा मिलता है, साइकिल की राशि, साइकिल की पोशाक मिलता है, सब तो मिल ही रहा। किसान के निधि पैसा 6,000 रुपया सालाना सब आ ही रहा है। लॉकडाउन के माध्यम में हर एक किसान, हर एक पब्लिक को मुफ्त अनाज मिला है। सरकार द्वारा 1,000 का महीना राशि दिया गया है, प्रधानमंत्री द्वारा 500 रुपये का राशि दिया गया है, इससे क्या बड़ा उपलब्धि चाहिए? किसान की एक ही है कि कम से कम केला का बीमा होना चाहिए,
जो साल में, हाँ साल में आंधी आता है, टूट जा किसान लाचार हो जाता है, उसको हम लोग हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के माध्यम चाहे यहाँ के सरकार बने उसके माध्यम से। केला के बीमा के क्षेत्र में नहीं आता? नहीं, केला बीमा के क्षेत्र में अभी नहीं। अच्छा, इसको उसमें लाना चाहिए, ये डिमांड हम लोग का है। चलो, देख सकते हैं कि केला किसानों का डिमांड है कि बीमा के उसका कराया जाना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं जी, कुछ और बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, हम बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ सरकार तो बार बार बदलती है, लेकिन सरकार नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है हमारे देश में। क्योंकि अभी तक के किसी सरकार ने, एक उद्योगपति सुई बनाता है तो सुई के रेट स्वयं तय करता है, लेकिन हमारे किसान दिन रात अपना खून पसीना बहा करके और अनाज उपजाते हैं, कृषि के उपज करते हैं, उनका मूल्य स्वयं को तय करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो कृषि के उद्योग को दर्जा दिया जाए और किसान को स्वयं अपना संपत्ति को, अपना चीज को रेट तय करने का उसे अधिकार मिले। मिल गया, अभी तो कृषि बिल लाया गया ना, अभी अधिकार लाया गया है। ठीक है, अभी एक समस्या और है। अभी तक के हमारे देश में, अभी तक हमारे देश में गरीबी रेखा तय की गई, लेकिन अमीरी रेखा तय नहीं की। तो अमीरी रेखा भी सरकार को तय करना चाहिए, क्योंकि अमीरी रेखा जब तक नहीं होगा, जब तक के पूरी तरह हमारे देश से गरीबी मिटाना असंभव है। इससे क्या होगा? अमीरी रेखा से ये होगा कि हमारे जो भी संपत्ति को संचय करने का अधिकार छीन लिया जाएगा। संपत्ति को संचय कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकते। सरकार एक लिमिट बनाएगी कि इससे अधिक आप संपत्ति नहीं रख सकते हैं, उससे अधिक जो संपत्ति होगा वो गरीब के बीच ही दिया जाएगा। तब जाकर के हमारे देश से पूरी तरह भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा, असमानता नहीं। जी 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 बिल्कुल। चलिए, एक तरफ जी, एक तरफ अमीरी के आकाश है, दूसरी तरफ है गरीबी के खाई है। इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा असमानता को तो खाई को भरने के लिए सरकार ही कोई व्यवस्था करेगी। हम लोग सरकार यहाँ से चुन के बहुत आशा उम्मीद के साथ भेजते हैं। यह निश्चित रूप से है कि नीतीश जी के सरकार में हम लोग जो है भयमुक्त हुए हैं। रोड में रंगदारी होती थी, वो रंगदारी नहीं है। रोड में बाजार समिति के नाम पर बाजार समिति था, उससे हम लोग मुक्त हुए हैं। इन सारी सुविधाएं हम लोग के मिली है, लेकिन जितना सुविधा चाहिए उतना सुविधा अभी तक नहीं मिल पाई है। नहीं मिला है, उम्मीद है कि मिल पाएगा। आशा तो है, आशा तो इन्हीं से हम लोग करते हैं। पुरानी सरकार से नहीं करते हैं? नहीं, पुरानी सरकार तो पुरानी सरकार तो लाठीधर के सरकार था। वो सरकार तो अभी भी लंगा नृत्य करते हैं। उनका अभी भी स्टेटमेंट आता है कि हम लोग के तो जन्मे हुआ है जेल में, इस तरह के बात कहा जाता है। इसके मतलब कि लोग के अंदर भय पैदा किया जा रहा है। तो फिर तो एक बयान आता है कि 10 लाख नौकरी देंगे। वो कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, जुमलेबाजी है, ये चुनावी जुमलेबाजी है। ये सब चीज होना ही नहीं है, ऐसा होना नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ऐसा ही नहीं। और चीज, चूंकि अभी नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि जो इंटर पास छात्र, जो उनको प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए दी जाती थी, उसको बढ़ा करके 25,000 रुपए किया जाएगा। कर सकते, जो ग्रेजुएशन पास करने वाले लड़के 25,000 से 50,000 किया जा सकता है, क्योंकि नीतीश जी के बात में जान है। ये आपको लगता है कि उम्मीद? जी जी, नीतीश जी के बात में जान है, नीतीश जी कर सकते हैं, ऐसा उम्मीद है। उम्मीद है जी। एक चीज और इनसे बात कर रहे थे, थोड़ा अच्छा बोल रहे थे, जैसा नीतीश जी ने कहा कि 25,000 और 10,000 को बढ़ा के 25,000 और 25,000 को बढ़ा करके 50,000, नहीं लगता कि चुनाव के समय में इस तरीके से सीधे रिश्वत देने की बात? नहीं, हमारा समझ से तो रिश्वत देने की बात नहीं हुई है। और उनके द्वारा, जैसे अभी विरोधी खेमा के द्वारा कहा जाता है कि 10 लाख नौकरी देंगे, समान काम समान वेतन की भी बात कर रहे हैं। हाँ, तो 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, तो वो भी तो प्रलोभन दे रहे हैं। नीतीश जी की बात रिश्वत की बात नहीं है, चूंकि नीतीश जी किए हैं। हमको याद है कि हमारी 4 बहनें थी, 2 बहन नहीं पढ़ पाई, या मजबूरी हो, पोशाक की योजना के तहत मजबूरी हो, पोशाक नहीं था, किताब नहीं था। आज नीतीश जी की सरकार में हमारी बहन बेटी भय सुरक्षा से मुक्ति होकर नीतीश जी का कहीं ना कहीं उन किए, साइकिल से लेकर, पोशाक से लेकर, किताब से लेकर, माहौल बढ़िया बनाए तो किए हैं। इसलिए हम लोग उम्मीद था, हम लोग को मांग था कि और महंगाई के समय और बढ़ाया जाए, तो हमको पूरा विश्वास ही नहीं, हम लोग मांग के ही रखे हैं बात। ऐसा नहीं कि चुनावी जुमलेबाजी की है नीतीश जी, और हम लोग यहाँ के वोटर है, हम लोग वही चाह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक प्रतिनिधि चुन के आए, हम लोग के दुख दर्द सुख में शामिल हो, हर हाल में हम लोग को वैश्य बनिया है, किसान है, सुरक्षा मिले, वो हम लोग के लिए हाजीपुर में अवधेश जी के द्वारा ये सब सम्मान मिल रहा है। और बिहार में एनडीए के सरकार, चाहे नीतीश जी हो या सुशील मोदी जो अन्य नेता हो, केंद्र में जो मोदी जी हैं, सबके द्वारा जो हम लोग किसान लोग का जो सम्मान चाहिए, व्यवसाय वर्ग का सम्मान चाहिए, गरीब बच्चा से लेकर जो चाहिए वो हमको मिल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी तो 50,000 घोषणा किए, हम तो
कामना करते हैं भगवान से, ये भगवान सरकार बनाए इंडिया को कि ताकि 50 न 1 लाख हो, कि ताकि गरीब गुरबा को फायदा हो। चलिए देख सकते हैं कि जो तमाम कार्ड खेले जा रहे हैं, चाहे वो एनडीए की सरकार की ओर से हो या राजद की खेमे की ओर से हो, तमाम लोगों पर, तमाम बयानों पर लोगों की नज़र है। खास करके किसान अपनी बात कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हाजीपुर है और हाजीपुर के केले के किसान की अपनी राय है। उन संतुष्ट तो हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि और भी बहुत कुछ होना चाहिए। इतना ही नहीं, इन लोगों का कहना है कि गरीबी रेखा की तरह अब अमीरी रेखा भी तय होनी चाहिए, ताकि पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण हो और असमानता कम जाए और देश खुशहाल हो सके। कैमरामैन संजय के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, हाजीपुर।